कहाँ है बेरोजगारी बताइए आप। जो करने वाला बहुत प्राइवेट जॉब है। बात जॉब की नहीं है, बात हिंदू धर्म की हो रही है। जो भगवान श्री राम का प्रतीक हो, जो हिंदू धर्म का प्रतीक हो, उस कलर के कपड़े को लेकर के आप उसका अपमान डायरेक्टली कर रहे हैं, ये कतई भी हिंदू धर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताकि शाहरुख खान SRK है, वो SRK मैं उसमें पावर है, रिलीज ना होगी ना इंडिया के अंदर ना होगी तो वो दोगुनी पावर से कमा जाएगा, वो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया वालों से। अब जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, लेकिन बहरहाल ये कि जबरदस्ती नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। पठान मूवी जो शाहरुख खान की लॉन्च हो चुकी है, उसका गाना जो अभी आया है, इससे जो गाना लॉन्च हुआ है उसको लेकर के लगातार पूरे देश के अंदर एक अलग माहौल बन गया है। जो कलर में दीपिका पादुकोण ने पहन के गाने में लॉन्च किया उसको लेकर के एक अलग माहौल क्रिएट हो गया है। उसी को लेकर के आज हम अलीगढ़ पहुँचे हैं। अलीगढ़ के जो हमारे पीछे नौजवान खड़े हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार गाने के अंदर क्या दिक्कत है, क्या आज के टाइम में सिर्फ कलर ही मुद्दा बचा है। मेरे पीछे खड़े हुए सभी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे वो बच्चे हैं, जो आज के टाइम में एजुकेशन ले रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्या सिर्फ गाने ही मुद्दे बचे हैं या कलर मुद्दा बचा है, या आज के टाइम में जो अपने एजुकेशन या नौकरियों की बात करने के लोग आगे रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में, पहले इनसे पूछेंगे आखिरकार क्या क्या नाम है आपका। ललित चौहान। ललित जी, आज के टाइम में अभी एक शाहरुख खान की जो मूवी का गाना लॉन्च हुआ है गेरुआ रंग के नाम से, उसमें दीपिका पादुकोण ने जो कलर पहना है, जो भगवा कलर पहना है, उसको लेकर के लगातार उंगलियाँ उठ रही हैं, तो आज के टाइम में क्या ये मुद्दे वाकई ही ऐसे मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे तो हैं, इनके मुद्दे की बात होती है, क्योंकि इसमें भगवा रंग जो कलर जो है, मैं राष्ट्रीय धर्म सतनातन धर्म का आ रहा हूँ, मैं करके आ रहा हूँ, नाम माना जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है वो भी भगवा होता है, कटमन होता है वो भी भगवा होता है, इस प्रकार के भगवा कलर को उड़ाने के लिए ये क्या नाम है प्रोड्यूसर जो भी बनाते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के अगर बनाया जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपत्ति बनाने के लिए वो खुद ऐसा करते हैं कि इसलिए आदमी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बवाल की वजह से बहुत दिक्कत आने लग जाती है। अब बहुत लोग डाउट करते हैं इस फिल्म को, लेकिन इस सेंसर बोर्ड को ये देखने पहले ये देख लेना चाहिए कि किस चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को करना चाहिए। तो अलीगढ़ में जैसे कि आपने सुना है, अलीगढ़ में आप ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, इसके लिए हमने पहले भी दे चुके हैं एक बार, धर्म समा वो बांसने महाविश्वविद्यालय पे पुतला फूकने का काम किया था हमने पहले भी सेंसर बोर्ड को, हमने या तो इन गानों के बोल चेंज करें या ड्रेस है इसको चेंज करने की, मतलब इस सीन को हटाने के लिए बहुत मांग की है हमने हटाने के लिए, वरना इस मूवी को हम पाइका टॉलीगढ़ के हॉलों में नहीं चलने देंगे। क्या आज के टाइम में सिर्फ ये कलर के ही मुद्दे बचे हैं कि कलर गेरुआ पहन लिया या भगवा कलर है या ग्रीन कलर है? आज के टाइम में हम जो नौजवान हैं वो क्यों कलरों को लेके इतना मतलब परेशान है? कलर को लेके इसलिए मुद्दा बन रहा है क्योंकि कलर तो बहुत सारे हैं, आपने पर्टिकुलर इसी कलर को क्यों चूज किया? जब आप कलर सनातन धर्म, जब हम सभी सनातनी हैं, तो जब सनातन धर्म में हमारा जो भगवा कलर है वो हमेशा पूजा के स्थान पर, हम टीका भी लगाते हैं तो वो भी भगवा कलर का लगाते हैं, जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है तो वो उस कलर से होती, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कलर का इन्होंने जानबूझ करके, पता नहीं कौन सी मानसिकता के अनुसार इन्होंने इसका उपयोग किया है। कलर की है, जो भगवान श्री राम का प्रतीक हो, जो हिंदू धर्म का प्रतीक हो, उस कलर के कपड़े को लेकर के आप उसका अपमान डायरेक्टली कर रहे हैं, ये कतई भी हिंदू धर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लियर बात यह है, अलीगढ़ के किसी भी हॉल में हम पठान मूवी को किसी भी होने देंगे। चलने का तो मतलब ही दूर है, अलीगढ़ में पोस्टर भी अगर हमें लगा दिख गया तो हम प्रशासन उसका आंदोलन के तैयार रहे, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि कहीं पर भी इसको हटा दिया जाए, अलीगढ़ के सिनेमा घरों में कहीं पर भी इसको ना लगाया जाए। बात भगवा कलर एक ऐसा कलर है जो कि हम अपने अगर माथे पर भी लगा करके चलते हैं तो मन को इतनी शांति मिलती है, जो कि दीपिका पादुकोण पठान मूवी के बेरंग गाने में उस कलर को पहन करके, उस ड्रेस को पहन करके जो उनका रूप दिखाया गया है, आगे चल के इन नौजवान लड़कों पर या नौजवान लड़कियों पर जो हॉल में मूवी देखने जाएंगे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं फिर दोबारा से इसी बात को कहूंगा, या तो इस गाने से इस सीन को काट दिया जाए, वरना अलीगढ़ के किसी भी सिनेमा घर में ये मूवी चलने नहीं दी जाएगी। भारत माता की जय, जय श्री राम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम में हम सिर्फ जितने भी नौजवान हैं वो सिर्फ कलर पे लेकर आज के सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कलर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, क्यों अपनी नौकरियों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्यों बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे? कहां है बेरोजगारी बताइए आप। जो करने वाला बहुत प्राइवेट जॉब है, बात जॉब की नहीं है, बात हिंदू धर्म की हो रही है।
जो कि एक भगवान श्री राम का प्रतीक है, आप उस कलर को लेकर के और इस तरीके की ड्रेस पहन करके आप मूवियों में काम कर रहे हैं। बात फिल्म इंडस्ट्रीज की हो रही है, इतनी गंदी हो गई है आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्रीज, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसके हमारे देश के युवाओं लड़कियों पर लड़कों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या इसी वजह से ये हम लोग इनका समर्थन करते थे? हम फिर कहेंगे, पुनः फिर दोबारा से इसी बात को कहेंगे, हम इस मूवी को बायकॉट करेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अलीगढ़ के किसी भी सिनेमा घर में या कहीं पे भी पोस्टर नहीं लगने दिया जाएगा इस मूवी का। अगर फिल्म लॉन्च हुई, अगर सिनेमा हॉल में लगी तो क्या करेंगे आप लोग, प्रदर्शन करेंगे या नहीं चलने देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम बता तो रहे हैं, अगर किसी भी सिनेमा घर में मूवी चली तो प्रशासन से हम फिर आग्रह करेंगे कि आंदोलन होगा और बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन होगा। प्रशासन सतर्क रहे आगे के लिए, या तो सिनेमा घर वालों को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि पठान मूवी को अलीगढ़ के किसी भी हॉल में ना लगाया जाए और पोस्टर ना टांगे जाए, वरना प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। हिंदू दल, हिंदू छात्र, हिंदू पूरा हिंदू समाज इस आंदोलन के लिए पुनः तैयार है एक बार। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा हिंदू दल, हिंदू छात्र, जो भी नेता हैं, जिस तरह के नेता हिंदू नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो उसको विरोध करेंगे, आप लोग क्यों अक्षय कुमार का विरोध नहीं करते हैं? अक्षय कुमार का विरोध क्यों नहीं करते? अक्षय कुमार कहाँ पर ऐसा कुछ है मुद्दा अक्षय कुमार की मूवियों में? बता दीजिए, जिसमें सनातनी धर्मों को लेकर के, सनातनी धर्मों को लेकर के किसी भी तरह का प्रतीक को नुकसान दिया हो या ठेस पहुँची हो आज तक। अच्छा, आपने कहा, आपने कहा कि एक ऐसी फिल्म बता दो जिसमें अक्षय कुमार ने धर्म का अपमान किया हो। आपने शायद भूल भुलैया मूवी नहीं देखी। भूल भुलैया मूवी में क्या था, आप बताइए मुझे क्या था उसमें? वो सिर्फ वहाँ पर एक किरदार था, उसमें कुछ गलत नहीं था। उसने जो अंधविश्वासी चीज थी उनको वो हटाई गई थी वहाँ। आपने भूल भुलैया देखी नहीं है? बिल्कुल, मैंने सब मूवी देखी। गाना देखा है भूल भुलैया? बिल्कुल देखा। आपने फिर शायद वो गाना नहीं देखा जिसमें अक्षय कुमार कपड़े पहन करके, जिस पर जय श्री राम के कुछ लिखा हुआ भी है कपड़े पर, उसके साथ में जो उसकी डांसर थी, को एक्टर डांसर होती हैं, वो सब पहन करके अश्लील तरह का डांस कर रही हैं। कौन सा अश्लील? उसमें भगवा कलर था क्या? कौन सा कलर बताइए मुझे, कौन सा कलर था आप बताइए मुझे। भूल भुलैया के गाने में नहीं देखा भगवा कलर था उसमें? हमने, हमें तो नहीं दिखाई दिया। आपने देखा नहीं गाना पूरा? हम बात हो रही है पठान मूवी की, आप बात कर रहे हैं पठान मूवी में जो दीपिका पादुकोण का पहनावा है, आप पठान मूवी पे बाइट लेने आए तो हम पठान मूवी पर ही बात कर रहे हैं आपसे। मैं तो कलर की बात कर रहा हूँ। अब असल में क्या ना, ये मुद्दा बन गया आज के टाइम में, सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया कि कलर मुद्दे बन गए हैं, ग्रीन कलर, गेरुआ कलर, या फिर जिस तरह के कलर आज के मुद्दे बन गए हैं। तो लेकिन क्यों मुद्दे, हम या तो किसी एक्टर को इसलिए उसको मतलब बायकॉट कर रहे हैं कि वो उसके पीछे नाम के पीछे खान लिखा हुआ है, एक्टर, सुनो एक्टर तो इन्होंने गेरुआ रंग पे पहले भी गाना बनाया है, उसका कभी विरोध हुआ नहीं हुआ ना? जब असलील हालत में तुम मतलब उस कलर को पहनाओगे तो जाहिर सी बात है विरोध तो होगा ही, जो किसी का। तो मैंने वही तो पूछ रहा कि अक्षय कुमार का विरोध क्यों नहीं किया अब तक पूरे देश के अंदर, क्यों विरोध नहीं हो रहा? भूल भुलैया में जो एक गाने में उन्होंने पहना, बकायदा लिखा हुआ ड्रेस का जो कपड़ा होता है, इस पर जय श्री राम या श्री राम लिखा होता है, उस ड्रेस को पहन करके सभी लोग डांस भी कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एक्टर है शॉर्ट पहन के डांस कर रहे हैं, अक्षय कुमार खुद पूरे लिबास पहन के डांस कर रहे हैं, क्यों उसका विरोध नहीं करते? उन्होंने पूरा लिबास पहना है ना, ना कि वो चड्डी पहनी है उसकी। चड्डी नहीं, वो भी शॉर्ट पहन के लड़कियां हैं, वो बकायदा जय श्री राम लिखा है उसके ऊपर, लड़कियों की पे बिल्कुल नहीं लिखा सर। तो आप एक बार सर्च कर ले, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल। तो भूल भुलैया, और अच्छा इसके अलावा रवि किशन को आप जानते होंगे? हाँ। जी, जो सांसद भी हैं जी, उनकी खुद एक मूवी है, उस मूवी में वो खुद अश्लील डांस कर रहे हैं, भगवा कलर की ड्रेस पहना करके लड़की। कोई भी कलाकार अश्लील डांस करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि ये कुछ जो इनकी सोच है मानसिकता, वो उसमें दिखाई दे रही है अलग ही। कैसी मानसिकता? वो दिखाई दे रही है, वो जो है उन्होंने जो पहना हुआ है, बिकनी जो पहनी हुई है उन लोगों ने, उसको देख करके भगवा कलर जो है उसमें, वो कतई हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपमान हो रहा है, क्लियर बात ये है। अगर वो इंडिया में रिलीज ना हुई ना, तो बाहर कंट्री से वो इतना कमा लेगी, उससे ज्यादा जितना उसने लगाया ना, उससे कई दोगुना कमा लेगी वो। देख, ताकि शाहरुख खान SRK है, वो SRK मैं उसमें पावर है, रिलीज ना होगी ना इंडिया के अंदर ना होगी, तो वो दोगुनी पावर से कमा जाएगा, वो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया वालों से। लेकिन शाहरुख खान को लेकर के ये लोग क्यों इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि शाहरुख खान, क्या शाहरुख खान है इसलिए कंट्रोवर्सी की जा रही है? ना जी, तो कह रहे हैं फिलहाल मूवियों के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर तो हो ही रहा ही है कंट्रोवर्सी है, पर ये कई मूवी है बाई गॉड हो रही है, ट्रेंडिंग में बाई गॉड आ रहे हैं पठान, लेकिन पठान मूवी के ऊपर फिलहाल कुछ ना होने वाला। पठान मूवी को लेकर जो गाना लॉन्च हुआ है, जो रिलीज हुआ है, लेकर उसके कलर को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर शुरू हो गई है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, असल में ये सारी चीज़ें बाकी की चीज़ों से ध्यान भटकाने का मामला है, और अभी लाल सिंह चड्ढा आई थी इससे पहले, तब भी यही चीज़ें चल रही थी, आज भी चीज़ें चल रही हैं, और भी कई मूवी आई हैं, उनमें भी सब चलता रहा।
बहरहाल देखने वाले सब लोग मूवी देखेंगे और ये लोग जितना भी सब कर रहे हैं ये भी मूवी देखेंगे। अच्छा, और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान या आमिर खान या अक्षय कुमार, ये लोग जो हैं बहुत बड़े लोग हैं, ये इन लोगों पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, एजुकेटेड लोग हैं ये और हमारी पब्लिक भी बहुत एजुकेटेड है हिंदुस्तान की, वो चीज़ें समझ रही है ये और सिर्फ और इसका इंजॉय कर रहे हैं न्यूज़ का और कुछ नहीं है। जिस दिन मूवी रिलीज होगी उस दिन आप देखिएगा कि हाउसफुल रहेगा और लोगों को टिकट भी नहीं मिलेगा, टिकट भी नहीं मिलेगा। और खानों की फिल्म हो या कोई भी अच्छे एक्टर की फिल्म हो, बहुत दिनों बाद फिल्में आती हैं और वो लोग देखना पसंद करते हैं। लाल सिंह चड्ढा भी लोगों ने बहुत देखी, ऐसा नहीं है कि ना देखी हो, लोग पहुँचे देखने के लिए और जिनको देखनी थी उन्होंने देखी, जिनको नहीं देखनी ना देखी। अब जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, लेकिन बहरहाल ये कि ज़बरदस्ती नहीं है। और रही ड्रेस की बात, देखिए सारे कलर जो है ना सब कलर इक्वलेंट हैं, दीपिका जी ने और भी कलर पहने हैं, उसमें ग्रीन भी है, उसमें वाइट भी है, उसमें रेड भी है, तो एक पार्टिकुलर कलर को लेकर सब हंगामा करना मेरे ख्याल से देश के लिए सही नहीं है। मतलब देश का एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरह से। माहौल क्या, देखिए माहौल तो खैर क्या बिगड़ेगा, लोग समझते हैं इन चीज़ों को। बहरहाल ये है कि मेरा कहने का मकसद तो यही है कि देखिए मूवी को मूवी की तरह देखिए आप, मूवी एक एंटरटेनमेंट की तरह, एक एंटरटेनमेंट करने का वो तरीका है, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे मूवी हो, ये चीज़ें जो हैं हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, अपना दिल खुश करते हैं। और दीपिका पादुकोण जो है वो खुद इतनी समझदार है, उनको खुद मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए मालूम है तो मैं कहता हूँ कि जो हम तो इधर कहना है कि जब भगवा कलर एक धर्म का यानी कि एक मज़हब का एक कलर है अपना, उसकी इज्जत करते हैं, तो क्यों इस तरह के कलर के कपड़े पहन कर, इतने गंदे कपड़े पहन कर क्यों आ रहे हो आप मूवी में? देखिए एक्चुअली एक्टर जब कोई शूटिंग करता है तो उसको ये नहीं मालूम होता कि मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं और कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने, उनको ये होता है कि हमें अपना 100% देना है उनको कलर की तरफ। तो मैं खास दीपिका पादुकोण का ध्यान भी नहीं होगा कि मैं ये कलर पहन रही हूँ या मैं वाइट पहन रही हूँ, बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से जो उनको मेहनत करनी थी, जो गाने में रेस्पॉन्स देना था वो रेस्पॉन्स दिया उन्होंने और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और रही थोड़ी सी उनकी जो एक मूवी के अंदर जो ये कुछ शॉर्ट्स हैं ये आजकल पुराने हो चुके हैं, हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं कि साहब आज ही आई हो तो समझ में आता है। अब इसके बाद भी मैं यही कहूँगा अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल ना देखे और जिसको अच्छा लगता है वो बिल्कुल देखे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि साहब। लेकिन आप कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि हम अलीगढ़ के अंदर फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देंगे या हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में अलग अलग शहरों में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो मैसेज इतना ही है कि वो लोग भी इंटरटेनमेंट करें और लोगों को भी इंटरटेनमेंट करने दें, और अगर कोई चीज़ फिल्म ये देखिए मूवी देखने के बाद पता चलता है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, अगर हमें मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है किसी भी धर्म की या किसी भी आदमी की या किसी भी की से कोई भावना हाथ हुई है तो वो गलत होगा, लेकिन अभी हमने मूवी नहीं देखी, हमने उसको ट्रेलर देखा है खाली, वो भी कलर्स के ऊपर, कलर तो देखिए सारे कलर इक्वलेंट हैं, अब कलर के ऊपर ही चीज़ें करना मेरे राय है कि ठीक नहीं है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग लगातार जहाँ विरोध कर रहे हैं पठान मूवी का, आने वाला जो गाना लॉन्च हुआ है उसके बाद जो विरोध शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी हैं जो चाहते हैं कि शाहरुख खान की जो फिल्म आ रही है वो फिल्म को किसी खान से या किसी दीपिका पादुकोण से जोड़ के मत देखो, जो एक्चुअल चीज़ है उसको देखने की कोशिश करो, जो अच्छी चीज़ है उसको देखने की आप कोशिश करो। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि फिल्म को देखा जाए, जो गलत तरह की चीज़ें जो गलत तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं उस तरह की चीज़ें नहीं की जाए। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।